दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हो? कैसे EKYC अपने किसान PM किसान योजना में करनी है? आपने पूरी वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे हो। आपने गूगल को खोलना और इस तरह आपने PM किसान की पोर्टल पे जाना है, किसान को सर्च करना है और करने के बाद इस तरह का पोर्टल खुलेगा तो उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इस तरह मोबाइल नंबर लगाना है। चलो वीडियो पूरी स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको प्रोसेस जो है पूरी तरीके से वो बताऊँगा, तो आप भी उसी तरह कर लें और आप अपने EKYC अपने PM किसान योजना में KYC करवा सकते हैं। जिन लोगों के पैसे अभी तक रुके हुए हैं तो वो पैसे कैसे आप ले सकोगे, पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें और उसकी नोटिफिकेशन में आप कमेंट ज़रूर करें। इस तरह आई आधार का ऑप्शन आया है, उस पोर्टल को खोलने के बाद और आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद वहाँ पे पोर्टल पे आपका जो है पूरा डाटा आ जाएगा और उसको आपको क्लिक करना। आप मैं CSE पे जा रहा हूँ, वहाँ से नहीं होगा, आप CSE से होगा। CSE पे जाने के बाद आपने सर्विसेज को खोलना है। ये सर्विसेज है जहाँ पे आप देख सकते हो 5, 6, 8, 12 नुक्ते लगे हुए हैं और साइड में मैं होम का बटन है उससे नीचे वाला दूसरे नंबर पे इसको आपने क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा उसी तरह आपने भी इसको क्लिक करना है। तो ये सर्विसेज के लिए मैंने क्लिक किया और अब यहाँ पे सर्विसेज बहुत सी आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आप PM किसान सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं तो किसान भी सर्च कर सकते हैं तब भी आ जाता है। अगर PM करेंगे तब भी आ जाएगा PM किसान और उस पे आपको ग्रीन सिग्नल की तरह आपको वेबसाइट दिखाई देगी, तो उसको आपने ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ किसान KYC, ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे किसान ही करना पड़ेगा। ये आ गया PM किसान जो ग्रीन पोर्टल बना हुआ है, तो इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद जब ये पोर्टल खुल जाएगा तो आपने आगे जाना है और ये पोर्टल खुल चुका है। यहाँ से आपने CSE को ओपन करना है, CSE ऑलरेडी है लेकिन यहाँ से भी आपने CSE के साथ कनेक्ट करना है। ये CSE के साथ अब कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आपने बायोमेट्रिक EKYC करना है, इस पर मारना है। तो यहाँ पे आपने आधार कार्ड नंबर डालना है, अपना आधार नंबर डालना है। जैसे कि मैं अपना आधार नंबर डालूँगा उसी तरह आपने आधार नंबर यहाँ पे डालना है। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नोटिफिकेशन में आप कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी वेबसाइट का आपको नहीं पता तो वेबसाइट, उस वेबसाइट का भी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपने आधार कार्ड नंबर डालना है, जैसे मैंने आधार कार्ड नंबर डाला है तो यहाँ से आपने फिर पूरा आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपने यहाँ से सर्च करना है और यहाँ पे एक कैप्चा आया हुआ है साइड में, इस कैप्चे को डालना है। कैप्चे को इस तरह डालना है और यहाँ पे सर्च कर देना, और नीचे फिर से मोबाइल का ऑप्शन आएगा तो वहाँ से आपने फिर OTP ले लेनी है। तो ये आप तो यहाँ से आपने ये कैप्चा डालना और यहाँ इस तरह सर्च कर देना। सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर इस तरह से डाल सकते हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद और इसको गेट OTP लेना है, OTP आएगी तो यहाँ पे OTP डालना है। जैसे मेरे मोबाइल में आप OTP आ चुकी है तो मैं यहाँ पे आपको टाइप करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे OTP आपने डालना हो, 4 डिजिट की OTP होगी ये। अक्सर औकार ऐसा होता है कि आपके पास डिवाइस भी होना ज़रूरी है EKYC करने के लिए, मार्फो इस तरह मार्फो से भी हो सकती है, मंत्रा से भी हो सकती है, मंत्रा के बाद और सी बहुत सी डिवाइसें हैं जिससे आप EKYC कर सकते हो। तो इस तरह ये मैंने डाला है अभी, ये मेरे पास अब मंत्रा की डिवाइस नहीं है, मेरे पास अब मार्फो की है, तो मैं वहाँ आपको दिखाऊंगा। ये EKYC ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, तो इसी तरह आप EKYC जो है कर सकते हो। तो ये PM स्कीम के तहत जो भी आपके पैसे उससे पहले रुके हुए हैं वो पैसे आपके जो आने शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस आप भी ज़रूर करें, इस प्रोसेस से फ़ायदा ये है कि उन्होंने आप PM स्कीम में उन्होंने PM योजना के तहत PM नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम निकाली है कि जिसका EKYC होगा उसी का पैसा उसी के अकाउंट में डाला जाएगा और किसी का नहीं। अगर किसी के घर में से दो की EKYC करानी है तो दो का नहीं चलेगा, एक ही का चलेगा, क्योंकि
जिसके नाम ज़मीन होगी उसी के नाम घर में से एक चलेगा। अगर एक किसी के दो तीन फर्द हैं तो दो तीन के फर्द में के नाम पे चल रही है तो ठीक है, नहीं तो अगर उसका पेरेंट्स अगर उसका फादर ज़िंदा है तो उसी के नाम पे चलेगी, बाकी किसी के नाम पे नहीं चलेगी। अक्सर वकार लोगों ने कुछ जुगाड़ बना के ऐसे ही किया होता है, कुछ जुगाड़ करके अपना नंबर वगैरह डाला होता है तो वो घर में दो तीन बंदे को पैसे आते हैं, लेकिन ऐसा काम अब नहीं है। अब पीएम स्कीम के तहत जिन लोगों के भी फिंगर ईकेवाईसी होगी तो उनको ही ये पैसा आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और नई नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। तो अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।